भले विश्व में भारत का डंका बज रहा हो, लेकिन एक बड़ी सच्चाई है कि इसी भारत में करोड़ों की तादाद में लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, वो भी तब जबकि देश में खाद्यान्न का उत्पादन सरप्लस है, बम्पर पैदावार है। तो सवाल उठता है कि फिर ऐसे हालात क्यों? दरअसल कई खुले में अनाज सड़ता है, तो आए ना आए दिन हम न्यूज भी दिखाते, विजुअल आपको दिखाते कि कैसे अनाज सड़ रहा है, कैसे अनाज घोटाले हो रहे हैं। भुखमरी गरीबी के संधेरे में वाराणसी की उम्मीद है, किरण है एक उम्मीद की। इस मकसद के साथ हम अपने दर्शकों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर दिखाने जा रहे हैं आज का एजेंडा में, कि एक ऐसे बैंक से आपको रूबरू कराएंगे जिसमें कोई भी जाता है तो भूखा नहीं सोता है। वाराणसी से आई ये तस्वीरें उम्मीद की वो किरण है जो देश में एक नई क्रांति ला सकती है। अनाज का बैग, जी हाँ, सुनने देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वाराणसी की धरती पर यह सपना साकार हो चुका है। बनारस में इस पेट भरो आंदोलन की शुरुआत इसी साल अक्टूबर में हुई। दुनिया में अपनी तरह के इस अनूठे बैग से गरीबों को मिलती है अनाज की गारंटी। बिना किसी सरकारी मदद और फंडिंग से चल रहे इस बैंक को आम लोगों के सहयोग से चलाया जा रहा है। सबसे दिलचस्प तो बैंक से मिलने वाला वो ब्याज है जो जमाकर्ताओं के लिए बेहद अनमोल है। तीन लोगों की ये कोशिश देश में भुखमरी और गरीबी की तस्वीर को बदलने की पहल है। उस देश की जहां करोड़ों क्विंटल अनाज लापरवाही के चलते या तो सड़ जाता है या फिर अलग अलग तरह से अनाज घोटालों की भेंट चढ़ जाता है। बहुत समय तक हम लोग देखते थे कि घरों में फाका होता है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, परिवार भूखे सो रहे हैं, और उनका जो पीडीएस सिस्टम है सरकार का, वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, उन तक कोई अनाज नहीं पहुंच पा रहा, और जो अनाज मिल भी रहा था वो खाने लायक नहीं था। तो हम लोग बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए। ऐसे में एक विचार विकसित हुआ इस हमारे सामने कि एक अनाज बैंक बनाया जाए। तो ऐसे अनाज बैंक बना करके हम लोगों ने ये तय किया कि इस अनाज बैंक के जरिए हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि जो भूखे हैं उनका एक अधिकार होगा कि वो आएं और अनाज बैंक से अपने खाने का, खाने तक का अनाज वो निकाल सके। अनाज मिलता है यहाँ से, भूखे रहते हैं, उसे चूल्हा हमारा धकता है। कितना अनाज ले जाती है यहाँ से? इस बार मिला था 4 किलो चावल मिला था, आटा मिला था, नमक मिला था, साबुन मिला था। 125 करोड़ की आबादी वाला कृषि प्रधान देश है भारत, लेकिन इसे विडंबना नहीं बल्कि उसकी भी पराकाष्ठा कहेंगे जो आज भी देश में करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। वहीं इसी देश में हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जाता है। सरकार किसानों से खरीदे गए अनाज को खुले में छोड़कर अपना कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है, फिर अनाज के खराब होने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू होती है, जिसके नतीजे शायद ही कभी सामने आए होंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में खाद्य भंडारण के लिए कोई कानून नहीं है। साल 1979 में खाद्यान्न बचाव कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सस्ते दामों पर भंडारण के लिए टंकियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद आज भी लाखों टन अनाज बर्बाद होता है। यह हाल तब है जब करोड़ों लोगों को दिन शुरू करने के साथ ही ये सोचना पड़ता है कि आज पूरे दिन पेट भरने का इंतजाम कैसे होगा। साफ है कि देश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जो ना देश के विकास के लिए सही है ना ही छवि के लिए। संयुक्त राष्ट्र की भूख संबंधी सालाना रिपोर्ट भी कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन AFO ने अपनी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड 2015 में भारत के हालात पर चिंता जताई। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होकर भी भारत में भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या चीन से भी ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह हर स्तर पर होने वाली अनाज की बर्बादी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल करोड़ों टन अनाज बर्बाद होता है।
वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो हर साल दुनिया भर में करीब 1300 करोड़ कुंटल खाना किसी न किसी वजह से बर्बाद हो रहा है। जाहिर है, एक तरफ अनाज की बर्बादी और धांधली तो दूसरी तरफ भूख से बिलखते लोग कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार का बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है, जिसका मकसद देश की दो तिहाई आबादी को सब्सिडी वाला अनाज अधिकार के तौर पर मुहैया कराना है। आंकड़ों की माने तो भारत की यह खाद्य सुरक्षा योजना भूख से लड़ाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन यह कार्यक्रम कितना सफल हो पाएगा यह आने वाले वक्त में ही साफ होगा। वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। है ना बहुत अच्छा बैंक। जाहिर है कि अनाज की बेकदरी से बिगड़ रहे हालात को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी भाई। सिस्टम बदलना है तो शुरुआत यहीं से करिए। शायद इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर वाराणसी में लोगों ने अनोखे अनाज बैंक की शुरुआत की है। ये एक यूनिफाइड और यूनाइटेड अप्रोच थी। आज ये बैंक 70 से 80 गरीब परिवारों का पेट भर रहा है। आपको ये बताते हैं कि कैसे इस मुहिम की, इस बैंक की शुरुआत हुई और कैसे इस अनाज बैंक का पूरा संचालन और कामकाज होता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का सबसे पहला अनोखा बैंक, जहां इंटरेस्ट में मिलता है संतोष, दुआ और त्याग। मदद वाले हाथों से जहां जमा होता है अनाज, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला अनाज बैंक, जरूरतमंदों के लिए यहां है खाने का भंडार। वैसे तो आपने बहुत से ऐसे अजूबे देखे होंगे जिनके बारे में देखकर या जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आपने कभी ऐसे बैंक के बारे में सुना है जो अनाज का लेन देन करता है? क्या आपने कभी ऐसा बैंक देखा है जहां जमाकर्ता को बतौर इंटरेस्ट दुआ मिलती है? नहीं ना। गंगा के तट पर बसे आस्था के शहर बनारस में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। बनारस में एक ऐसा बैंक है जहां अनाज जमा किया जाता है और अनाज ही निकाला जाता है। बिना किसी सरकारी मदद और फंडिंग से शुरू हुआ ये बैंक आज भूखे लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। भुखमरी और गरीबी से लड़ने के लिए वाराणसी से पेट भरो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत एक संस्था ने अनाज बैंक के जरिए शुरू की है। ये विशाल भारत संस्थान जो एक संस्था है, वो अनाज बैंक के जरिए उन तमाम भूखे और गरीब लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था यहाँ करा रही है, ताकि उनके घर में कोई फाका न करे, उनके घर में भी नियमित भोजन बन सके। उसके लिए यहाँ एक अनाज बैंक की शुरुआत पिछले अक्टूबर महीने के 13 तारीख को की गई है। ये तमाम लोग, ये देखिए, ये एक महिला हैं जो अनाज लेने के लिए यहाँ आई हुई हैं। पहले उनका यहाँ वजन किया जा रहा है, वजन किया जा रहा है यानी ये तय किया जा रहा है कि कहीं वो कुपोषण की शिकार तो नहीं है। वजन के साथ ही यहाँ लिखा पढ़ी का काम शुरू होता है। उनका नाम, उनका पता, उनका जो खाता है, ये देखिए खाते पर इनका नाम आपको मिलेगा, नसीबुल निसा, इनका पता आपको मिलेगा, सादुल्लापुरा जैतपुरा वाराणसी, और इसी खाते के आधार पर कितना अनाज ये यहाँ से ले जा रही हैं उसका बकायदे इसमें डिटेल, जो बैंकों में आप देखते होंगे उसका पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। बैंक की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से हुई। इस बैंक से जुड़े सभी लोग सांप्रदायिक सौहार्द की भावना दिल में लेकर काम करते हैं। जमाकर्ता कम से कम 5 किलो तक का अनाज इस बैंक में जमा करा सकता है और 5 किलो तक का ही अनाज कोई बैंक से निकाल सकता है। इसके अलावा बैंक तमाम त्योहारों पर अनाज का महावितरण करता है। आपात स्थिति के लिए 3 क्विंटल अनाज का भंडार बैंक में हमेशा रखा जाता है, ताकि जरूरत के समय इसे निकाला जा सके। ऐसे में एक विचार विकसित हुआ इस हमारे सामने कि एक अनाज बैंक बनाया जाए।
तो ऐसे अनाज बैंक बना करके हम लोगों ने यह तय किया कि इस अनाज बैंक के जरिए हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि जो भूखे हैं उनका एक अधिकार होगा कि वो आएं और अनाज बैंक से अपने खाने तक का अनाज वो निकाल सकें। लेकिन यहाँ दूसरा सिस्टम है, यहाँ अनाज बैंक में जमा करने वाले अलग हैं और निकालने वाले अलग हैं। तो बैंक का नियम बनाया गया कि न्यूनतम 5 किलो अनाज से ही वो खाता खुलवा सकते हैं। इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, इसमें अनाज का सिर्फ लेन देन होता है, अनाज देते हैं और अनाज निकाला जाता है। आम बैंकों की तरह यहाँ सब कुछ होता है, खाता खुलवाने से लेकर अनाज जमा कराने और निकालने तक सारा प्रोसीजर बिल्कुल आम बैंकों की तरह होता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ काम सिर्फ सहयोग की भावना के साथ किया जाता है, ना कि पैसे के लिए।